ब्लैक हेड और वाइट हेड ना सिर्फ हमारे चेहरे की सुंदरता को कम करते हैं बल्कि आगे जाकर एक बड़ी समस्या भी बन सकते हैं। तो मैं बबीता छोटी सी रसोई में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में ही बहुत आसानी से इनसे छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और बताती हूँ कि किस तरह से आप बिना कुछ खर्च किए इससे निजात पा सकते हैं। ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ वैसलिन और इसे अपने उस एरिया पे लगाऊंगी जहाँ पर मुझे ये समस्या है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को लाइक नहीं करना है तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, एक दो वीडियो और जाकर देखिए और आपको लगता है कि चैनल यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन के लिए बेल ज़रूर प्रेस करना। लेकिन सबसे पहले आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, मैंने अपनी नोज़ पर और चिन पर अच्छे से वैसलीन लगा ली है और अब मैं इसे कवर करूंगी, जो रैप करते हैं हम जिसमें खाना फ्रेश रखने के लिए, उसी को मैंने थोड़ा सा काट लिया है और अपनी नोज़ पर और चिन को कवर कर लूंगी और छोड़ दूंगी 20 मिनट के लिए। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे हम मैनीक्योर पेडीक्योर करने से पहले पानी में अपने पैरों को भिगो लेते हैं। तो अब मैंने एक टॉवल को गर्म पानी में भिगो लिया है और 30 से 40 सेकंड तक मैं अपनी नाक और चिन को कवर करूंगी, फिर रैप को निकाल दूंगी और एयरबड की मदद से दबाते हुए नोज़ और चिन को क्लीन करूंगी। फ्रेंड्स, बहुत हद तक तो ये ऑलरेडी स्किन हमारी क्लीन हो जाएगी लेकिन हमें आगे और एक स्टेप करनी है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अनवांटेड हेयर से भी परेशान हो तो उसके लिए भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो, ये उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है और आपको ये 10 से 15 डेज़ के बाद अपने चेहरे पर ये अप्लाई करना ही चाहिए। इससे आप चेहरे के जो हेयर हैं उससे की जो अगर प्रॉब्लम है आपको तो उससे भी आपको निजात मिलेगी, साथ ही आप अपने स्किन को क्लीन रखोगे और आप सुंदर भी दिखोगे, गोरे भी दिखोगे और ब्लैक हेड और वाइट हेड की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो 10 से 15 दिन में आपको एक बार ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं अब अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पानी से मैंने वॉश कर लिया है और अब एक नैपकिन की मदद से इसे साफ़ कर लूँगी। पहला स्टेप हो गया है, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पर कुछ प्याज के छिलके ले लिए हैं और अब मैं इन्हें तवे पर रखकर लो फ्लेम में जला लूँगी, यानी कि मैं इसका चारकोल तैयार करूँगी। हम सभी जानते हैं कि चारकोल अंदर से गंदगी को खींचता है और बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। तो मैं प्याज के छिलकों को अच्छे से ये मैंने जला लिया है और अब इन्हें हाथ की मदद से या आप चाहें तो ग्राइंडर में डालकर भी पीस सकते हैं। एक पाउडर फॉर्म में मैं इसे चेंज कर लूँगी। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, आप चाहें तो हाथ से भी इसे कर सकते हैं, ग्राइंडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गैस मैंने बंद कर दी है और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही तवे पर छोड़ दूंगी। एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच चीनी ले ली है और इसमें मैं 4 चम्मच पानी ऐड करूंगी और इंडक्शन को ऑन करूंगी। आप चाहें तो गैस पर भी इसे बना सकते हैं, बस ध्यान यही रखना है आप इंडक्शन पे बना रहे हो या गैस पे बना रहे हो, फ्लेम बिल्कुल कम होनी चाहिए, हमें ज़्यादा हीट नहीं लगेगी इसमें। मैं सिर्फ नोज़ और चिन के लिए ले रही हूँ तो मैंने ये कम ही रखा है। अगर आप पूरे फेस पर इसे लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि गैस की फ्लेम बहुत ही कम होनी चाहिए। जब चीनी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए तब मैं इसमें ऐड करूँगी चारकोल जो हमने प्याज के छिलके से बनाकर तैयार किया था। जब मैं इसमें चारकोल ऐड कर रही हूँ तो मैंने इंडक्शन को ऑफ कर दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ बूंदे नींबू की। नींबू हमारी स्किन को क्लीन करता है और साथ ही चीनी को जमने से भी रोकता है। आप अगर चाहें तो चारकोल की जगह हल्दी भी ऐड कर सकते हैं या चावल का आटा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसको बहुत ही पतला भी नहीं रखना है और बहुत ही ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, कुछ कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब मैंने अपनी नोज़ को क्लीन कर लिया है थोड़ा सा पानी लगाकर और टॉवल से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे अपनी नोज़ पर अप्लाई करूँगी। इसे लगाने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए ऐसे ही। एक बार फिर से बता दूँ, इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच चीनी,
चार चम्मच पानी और कुछ बूंदे नींबू की और थोड़ा सा चारकोल। चीनी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाती है, और गैस की फ्लेम हमेशा रखनी है लो। और जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा चारकोल और कुछ बूंदे नींबू के जूस की, और अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट लगाने के बाद हमें इसे रिमूव करना है एक टिश्यू पेपर की मदद से। फ्रेंड्स, ऐसी ही और रेमेडीज़ के लिए आप चैनल पर विजिट ज़रूर करें। अब मैं एक नैपकिन पेपर को काट लूँगी और अपनी नोज़ पर और अपनी चिन पर लगा दूँगी और फिर उसे खींचते हुए निकालूँगी। जब हम इसे लगा रहे हैं तो इसे दबाते हुए लगाएं जिससे ये हमारे नोज़ पर अच्छे से चिपक जाए, और जब हम इसे निकालें तो ठीक वैसे ही जैसे हम वैक्स करते हैं ये खींचते हुए निकल जाए। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। इससे ना सिर्फ आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपके अगर फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो उससे भी आपको निजात मिलेगी, और साथ ही आपका चेहरा इतना चमक जाएगा और आपको अपनी फेस को टच करके इतना अच्छा फील होगा। लेकिन वो होगा तभी जब आप इस रेमेडी को यूज़ करोगे। एक बार फिर से कहती हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है मत करो, वीडियो को लाइक नहीं करना है मत करो, लेकिन एक बार रेमेडी को ज़रूर यूज़ करो, और अगर रेमेडी यूज़फुल लगती है तो आकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ आपके सब्सक्राइब और लाइक के लिए। अगर आप एक कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप ये बताएंगे कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। नैपकिन पेपर को लगाकर छोड़ना नहीं है, सिर्फ दबाते हुए लगाना है और निकाल देना है, और फिर जो आपके नोज़ पर थोड़ा बहुत लगा रह जाता है उसको भी आप इस तरह से साफ कर लें। आप देख सकते हो मेरी नोज़ कितनी क्लीन हो गई है, मैं एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ। आप जब इसे यूज़ करोगे उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलना। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रेमेडी को एक बार यूज़ ज़रूर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना। मैंने फेस को वॉश कर लिया है और अब अपने चेहरे पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, होम रेमेडी चमत्कार करती हैं, लेकिन इसे आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में ही आप देखोगे कि आपका चेहरा कितना साफ हो गया है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको फेशियल हेयर से भी निजात मिलेगी, और साथ ही आपका चेहरा भी एकदम चमक जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम रेमेडीज चमत्कार करती हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाती हैं, लेकिन वो रुकती भी है आपकी स्किन पर बहुत लंबे टाइम तक है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपना बहुत ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाना।